दोस्तों मार्केट की प्रॉब्लम्स रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं और आज भी आप लोगों को निफ्टी 50 में 0.65% की गिरावट देखने को मिली। इंट्राडे में निफ्टी 50 1.5% से भी ज़्यादा गिर गया था, लेकिन सेकेंड हाफ में एक ठीक ठाक रिकवरी आई और जो क्लोजिंग हुई है वो 0.65% की गिरावट के साथ ही हुई है, लेकिन क्लोजिंग हुई है 17,000 के नीचे। तो दोस्तों इस गिरावट का कारण क्या है और क्या है वो इंपॉर्टेंट न्यूज़, तो आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों कि जो क्रेडिट स्विस दुनिया की नामी ग्रामी और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक थी वो इस वीकेंड पे फेल हो गई है और उसको बचाना पड़ा है, जैसे कि यस बैंक को बचाना पड़ा था 2020 में और उसको एक्वायर कर लिया है यूबीएस ग्रुप ने ऑन मार्च 19। और ये जो न्यूज़ है कल रात बहुत ही ज़्यादा लेट नाइट में ये न्यूज़ आई थी और इसको एक्वायर किया है $3.25 बिलियन में। इतनी ज़्यादा बड़ी कंपनी हुआ करती थी दोस्तों और सिर्फ 3.25 बिलियन डॉलर्स में ये एक्वायर हो गई है। और यहाँ पे अगर आप उनके बॉन्ड होल्डर्स के बारे में बात करोगे तो 17.3 बिलियन डॉलर्स के 81 बॉन्ड्स होते हैं दोस्तों, 81 बॉन्ड्स होते हैं। ये बॉन्ड्स क्या होते हैं, बेसिकली बॉन्ड्स एक तरीका है बैंक्स के लिए फंड्स रेज करने का, वो बॉन्ड्स इश्यू करते हैं और इन्वेस्टर्स इन बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं और उनको एक इंटरेस्ट मिलता रहता है और बैंक को इस तरीके से फंड्स रेज हो जाते हैं। ये सारे के सारे जो बॉन्ड्स हैं इनको जीरो कर दिया है, इनको जीरो राइट डाउन कर दिया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि बॉन्ड होल्डर्स की यहां पे कितनी हालत खराब हुई होगी। कितना बड़ा अमाउंट है ये देखिए दोस्तों, 1,42,000 करोड़ के बॉन्ड्स को जीरो राइट कर दिया है। ये सारे बॉन्ड होल्डर्स को यहां पे काफी बड़ा नुकसान हो गया है। ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये थोड़े से रिस्की होते हैं, इसीलिए इन पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता है। तो दोस्तों आप लोगों की एफडी ही सेफ नहीं है तो आप बॉन्ड्स के बारे में तो हम क्या ही बात करें। एफडी भी आपको पता होना चाहिए इंडिया में 5 लाख रुपए तक ही आप लोगों का इंश्योरेंस है, 5 लाख रुपए तक ही गवर्नमेंट आपको वापस करेगी। उसके ऊपर अगर आपके पैसे डूब जाते हैं और बैंक आपको वापस नहीं कर पाती है तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, तो ये तो फिर भी बॉन्ड्स हैं। अगर हम इस लिमिट के बारे में बात करें तो यूएस में ये लिमिट जो है वो है $2,50,000 जो कि लगभग 2 करोड़ के आसपास है INR में। अगर हम बात करें आज के टॉप गेनर्स के बारे में, HUL आज बहुत तेजी से भाग रहा था दोस्तों, 2.6% की तेजी। और 2-3 दिन पहले ही मैंने आप लोगों को HUL और नेस्ले के बारे में बताया था जब इन दोनों स्टॉक्स में गिरावट आई थी, जब टैक्स रिवीजन वाली न्यूज आई थी तो उसकी वजह से HUL और नेस्ले में टेम्परेली 1-2% की गिरावट आई थी। लेकिन ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी कि ये जो न्यूज आती है ये कभी मटेरियलाइज नहीं होती है एट द एंड ऑफ द डे और यहां पे कोई ऐसी बड़ी चीज निकल करके नहीं आती है, कंपनी ये सारी चीजें सेटल कर लेती है। तो वो जो फॉल था वो बहुत ही टेम्परेरी था और क्योंकि आजकल इतना ज्यादा पैनिक का माहौल है, गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, स्टॉक्स के प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, तो FMCG भी एक सेफ हेवन माना जाता है और ये एक डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है। तो जहां पे पैनिक का माहौल होता है लोग अपना पैसा जो है FMCG स्टॉक्स में पार्क करना स्टार्ट कर देते हैं। सो यहां पे HUL में इस तरीके की तेजी कोई अनएक्सपेक्टेड चीज नहीं है। और दोस्तों जो आज गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़े हैं और पिछले कुछ हफ्तों से बढ़ भी रहे हैं, उसकी वजह से आज आपको मनाप्रम फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। मनाप्रम फाइनेंस तो इनफैक्ट 6% गैप अप ओपनिंग के साथ स्टार्ट हुआ था, बाय द एंड ऑफ द डे थोड़ा सा गिर गया था। आज अगर टॉप गेनर्स में देखोगे तो कोटक महिंद्रा बैंक, बैंकिंग क्राइसिस चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक देखिए आज भी ग्रीन में क्लोज हुआ है। इस तरीके के फंडामेंटल्स हैं और इस तरीके की कंपनीज ही मुझे पसंद आती हैं दोस्तों, चाहे ये आप लोगों को 1-2 साल से कुछ रिटर्न्स नहीं दे रहे हैं लेकिन एटलीस्ट क्रेडिट स्विस जैसा या सिलिकॉन वैली बैंक जैसा हाल तो नहीं हो रहा है। तो कैपिटल को प्रिजर्व करना हमारा पहला काम है, रिटर्न्स मिलना ना मिलना वो दूसरा, क्योंकि रिटर्न्स तो तभी मिलेंगे जब कैपिटल बचेगा, तो और रिटर्न्स तो आज नहीं तो कल दे देगा दोस्तों, कैपिटल बचा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा ITC भी एक FMCG स्टॉक है, डिफेंसिव स्टॉक है, यहां पे भी तेजी देखने को मिली। नेस्ले भी एक FMCG स्टॉक है, यहां पे भी आपको देखने को तेजी देखने को मिली। और सन फार्मा एक फार्मा स्टॉक है, यहां पे आप लोगों को तेजी देखने को मिली। टॉप लूजर्स में वही बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, फाइनेंस रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वहां पे आप लोगों को गिरावट देखने को मिल रही है, 4% 3% की यहां पे गिरावट। अडानी ENT में, अडानी में कल न्यूज आई थी दोस्तों, आप लोगों को पता होगा 34,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था मुंद्रा में उसको यहां पे कैंसिल कर दिया गया है, उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया है, अडानी ग्रुप ने बंद कर दिया है, इसी वजह से आप लोगों को आज अडानी पैक में गिरावट देखने को मिल रही है। ये जो न्यूज थी ये मैंने शॉर्ट्स वाले चैनल पे कवर की थी, अगर आपने नहीं देखी है तो आप वो वीडियो यहां पे चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा विप्रो में गिरावट रुकने का नाम ले रही है दोस्तों, 2.5% की गिरावट विप्रो में और टाटा स्टील और कोल इंडिया में भी आज 2-2% की गिरावट थी। अब अगर बात करें ग्लोबल मार्केट्स के बारे में तो ग्लोबल मार्केट्स SGX निफ्टी तो बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे कोई ज़्यादा बढ़ोतरी या गिरावट नहीं है। लेकिन दोस्तों यूरोपियन मार्केट्स में सरप्राइजिंगली आप लोगों को अभी ग्रीन कलर देखने को मिल रहा है, 0.7% 0.5% 0.3% की ठीक ठाक तेजी आप लोगों को देखने को मिल रही है। लेकिन जो यूरोपियन मार्केट्स की स्टार्टिंग हुई थी वो तो उनकी भी नेगेटिव स्टार्टिंग ही हुई थी, लेकिन उसके बाद एकदम से वी शेप रिकवरी आई है उनके सुबह और उनकी सुबह यानी कि हमारी दोपहर, तो हमारे यहाँ भी मार्केट में उसी टाइम के आसपास एक
वी शेप रिकवरी आप लोगों को देखने को मिली थी सेकंड हाफ में। तो मुझे लगता है ये जो निफ्टी 50 में वी शेप रिकवरी आई थी ये यूरोपियन मार्केट्स को देख करके ही आई होगी, जिस तरीके से यहां से वी शेप की रिकवरी यूरोपियन मार्केट्स में हुई है। तो कोई ना कोई ऐसी न्यूज है जो मार्केट को पता है, जिसको मार्केट फैक्टर इन करने की कोशिश कर रही हो सकती है। लेकिन अगर हम निफ्टी 50 को डेली कैंडल्स पे देखें तो आप देख सकते हैं दोस्तों पिछले 5-6 दिनों से निफ्टी जो है 17,000 को टच करके हक करके खड़ा हुआ है। और आप इसकी विक्स देखिए, विक्स कितनी लंबी लंबी बन रही है। ये कैंडल है, इसके नीचे इतनी लंबी लंबी विक्स बन रही है और ऊपर भी है और नीचे भी है। उसका मतलब क्या है कि यहां पर बहुत ही ज्यादा वॉलिटिलिटी है, मार्केट को समझ नहीं आ रहा है कि ऊपर जाएं या नीचे जाएं। विक्स भी अगर आप देखोगे तो आज 10-12% से विक्स भी बढ़ गया था। सो ओवरऑल हर तरफ पैनिक का माहौल है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी 50 के लिए, 17,000 के आसपास मंडरा रहा है। सो यहां से जो न्यूज फ्लो जैसा जैसा आता जाएगा जो मार्केट है उसी तरीके से मूव करने की कोशिश करेगा। अभी जो एक और इंपॉर्टेंट इवेंट आने वाला है दोस्तों वो है फेड की मीटिंग, जिसका आउटकम आएगा 22 मार्च को, यानी कि वेंसडे को फेड अनाउंस करेगा कि भाई रेट हाइक्स किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। किए जाएंगे तो कितने किए जाएंगे, जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो 25 बेसिस पॉइंट्स की हैं। पहले 50 बेसिस पॉइंट्स की एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन जब से बैंकिंग क्राइसिस आया है तब से 25 बेसिस पॉइंट्स की एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर खुदा न खास्ता यहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक हो जाता है दोस्तों परसों, तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट में आप लोगों को एक पैनिक का माहौल और एक गिरावट का माहौल देखने को मिल सकता है। अगर 25 बेसिस पॉइंट्स का ही रेट हाइक होता है तब तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि तब तो अलोंग द लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशंस ही रेट हाइक होगा, तो तब मार्केट कहीं भी जा सकती है। और अगर बाय चांस 0% रेट हाइक होते हैं या फिर स्टेटस को रहता है तो वहां पे मार्केट में तेजी भी देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों इन सब चीजों के साथ साथ आप लोगों को यह भी देखना है कि आज कल परसों इन 3 दिनों में कोई और नई बैंक डूबने की खबर नहीं आनी चाहिए। अगर कोई और नई बैंक डूबने की खबर आ गई तो फिर ये सारी चीजें बदल जाएंगी और ये सारी एनालिसिस बदल जाएगी। सो ये सारी चीजें आप लोगों को होलिस्टिक वे में देखनी होती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेट है, इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसका मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब वेंसडे को इसका अनाउंसमेंट आएगा, यानी कि हमारी मार्केट तो तब तक क्लोज हो चुकी होगी क्योंकि यूएस के टाइमिंग के हिसाब से आएगा। सो वेंसडे को रात को इसका आउटकम आएगा और हमारी मार्केट में आपको इसका रिएक्शन देखने को मिलेगा थर्सडे को, जो रेट हाइक्स होते हैं। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में, यूएस के मार्केट्स में आप लोगों को वेंसडे को ही उसका रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की पोस्ट मार्केट रिपोर्ट में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल के और भी ज्यादा क्लोज आना चाहते हैं, अगर आप ऐसे पैनिक के माहौल में मार्केट के नुआंसेस को और अच्छे से सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन को क्लिक करके मेंबरशिप्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस ज्वाइन बटन का लिंक नीचे पिन कमेंट में भी दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।